हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलो आज की क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? कितनी सुंदर, कितनी प्यारी। वेरी गुड। इससे पिछली क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उसका हमने होमवर्क दिया था ना, आपने कंप्लीट किया? बहुत अच्छे, आप बहुत प्यारे बच्चे हो। चलो बच्चों सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। बच्चों एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी है और इसको हम सुनेंगे ध्यान से, फिर इस कहानी को समझेंगे और फिर इसका अभ्यास करेंगे। वेरी गुड। चलो बच्चों कहानी का नाम है कितनी सुंदर कितनी प्यारी। चलिए इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। वेरी गुड। चलो बच्चों इस पे शुरू करते हैं चैप्टर को। दूर पहाड़ की एक तलघटी में बसा था एक सुंदर सा गांव। दूर पहाड़ की तलघटी समझते हो बच्चों? पहाड़ के तल में मतलब नीचे एक सुंदर सा गांव बसा था। उस गांव में एक किसान के घर था। उस गांव में क्या था? एक किसान का घर था और एक सुंदर भोली गाय। वेरी गुड। गाय का रंग एकदम सफेद था बच्चों, इसीलिए उसे सब क्या कहते थे? धवला कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? धवला। किसको? उस सुंदर भोली गाय को। धवला थी बड़ी प्यारी और सबकी दुलारी थी। बच्चों आपको पता है सबकी दुलारी क्या होता है? सबकी दुलारी मतलब सब जो भी सब बच्चे या फिर बड़े उस गाय को दुलार करते थे, मतलब प्यार करते थे बहुत अच्छे। चलो सब उसे बहुत पसंद करते थे और धवाल भी अपने आप को खूब पसंद करती थी। धवाल समझते हो ना, इस प्यारी सी गाय का नाम है। इसको सब पसंद करते थे और ये भी अपने आप को पसंद करती थी कि मैं बहुत अच्छी गाय हूँ। धवला यहाँ वहाँ घूमती और गाती कितनी सुंदर कितनी प्यारी। धवला क्या कहती थी? वो गाना गाती थी कौन सा? कितनी सुंदर कितनी प्यारी। फिर मैं हूँ सबकी राज दुलारी, मतलब मैं सबकी प्यारी सी एक गाय हूँ, मुझे सब प्यार करते हैं। ऐसा कौन गा रहा है बच्चों? गाय गा रही है बहुत अच्छे। चलो करती हंसकर सारे काम, धवला है जी मेरा नाम। वो सारा काम अपना क्या करती है? सारा काम करती है और क्या कहती है? मेरा नाम क्या है? धवला। वेरी गुड बच्चों, आप बहुत अच्छे से कहानी को समझ रहे हो। धवला जी है मेरा नाम। एक दिन धवला चल पड़ी जंगल की ओर, वहाँ उसे हरिया तोता मिला। कौन मिला बच्चों? हरिया तोता। वह फुदक फुदक कर गा रहा था। कौन गा रहा था? हरिया तोता। हरे चमकते पंख है मेरे। कैसे चमकते हैं उसके पंख हरिया के? हरे। चोंच है मेरी लाल लाल। इसकी चोंच कैसी होती है? लाल लाल। कितना सुंदर रूप है मेरा। किसने बोला? ये हरिया तोते ने बोला। फिर देखो देखो रंगों का कमाल। और क्या कह रहा है? रंगों का कमाल देखो। हरे रंग इसके पंख है, लाल इसकी चोंच है। धवला तोते को देखकर रुक गई और बोली। कौन रुक गई तोते को देखकर? धवला, एक प्यारी सी गाय। अरे तुम कौन हो जो बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हो? क्या कह रही है? अरे तोते तुम कौन हो जो बढ़ चढ़कर बातें कर रही हो? तोता इठलाता हुआ बोला। इठलाता समझ रहे हो? अकड़ कर बोला। क्या बोला? क्यों न करूं बढ़ चढ़कर बातें, मैं हूं ही इतना सुंदर। देखो मेरा रंग बिरंगा रूप, मगर तुम कौन हो? तोते ने क्या कहा? मेरा रंग बिरंगा रूप देखो और तुम कौन हो? ऐसा किसने बोला? तोते ने गाय से बोला। अरे ओ तुम्हारे पास तो कोई रंग ही नहीं है। किसने बोला बच्चों? तोते ने गाय से बोला कि तुम्हारे पास तो कोई रंग नहीं है। ये सफ़ेद भी भला कोई रंग होता है? गाय कैसी होती है? सफ़ेद होती है। और तोते ने गाय को क्या कहा? ये जो सफ़ेद रंग है तुम्हारा, ये भी कोई रंग होता है? वेरी गुड, आप अच्छे से समझ रहे हो। तोता हंसने लगा और धवला उदास होकर वहाँ से आगे चल पड़ी। क्या हो गई? जो गाय है धवला वो उदास हो गई और वहाँ से आगे चल गई। फिर चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं। आगे उसे एक मोर मिला, वह भी झूम झूम कर गा रहा था।
मोर क्या कर रहा था? झूम झूम कर गा रहा था। क्या गा रहा था बच्चों? रंग बिरंगे पंख फैलाओ, रंग बिरंगे पंख फैलाओ, झूम झूम मैं नाचू गाऊ, सबके मन को मैं बहलाऊं, पक्षियों का राजा कहलाऊं। क्या बोल रही है मोर? बोल रही है मैं झूम झूम कर गाती हूँ और वो रंग बिरंगे फल फैलाकर, और पक्षियों का कौन है राजा? मोर है राजा। बहुत अच्छे बच्चों, बताओ पक्षियों का राजा कौन होता है? मोर होता है। वेरी गुड। धवला को देखते ही मोर आश्चर्य से बोला, अरे तुम कौन हो? तुम्हारे पास तो कोई रंग ही नहीं है। किसने बोला? मोर ने बोला गाय से, अरे तुम कौन हो? तुम्हारे पास तो रंग ही नहीं है। सफ़ेद भी कोई रंग होता है? उसने भी यही बात की मोर ने कि सफ़ेद भी कोई रंग होता है, भला इतना फीका इतना सादा, हा हा हा। ऐसे कौन हंसने लगा? मोर। मोर को हंसते देखकर धवला और भी उदास हो गया। धवला मतलब वो प्यारी सी भोली सी गाय, वो पहले से तोते की बातों से दुखी थी, अब मोर ने भी कह दिया कि सफ़ेद रंग भी भला कोई रंग होता है, ये देखकर और दुखी हो गई। वेरी गुड। आगे बच्चे आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। दुखी मन से वह आगे चली तो उसे पीलू हिरन मिला। कौन मिला बच्चों? पीलू हिरन। वेरी गुड। वह चौकड़ी भरकर गा रहा था। चौकड़ी भरकर समझ रहे हो ना बच्चों? वेरी गुड। चलिए, भरू चौकड़ी घूम मचाऊं। क्या कह रहा है? भरू चौकड़ी धूम मचाऊं, पीलू हिरन मैं कहलाऊं, कितने सुंदर मेरे अंग। समझ रहे हो ये हिरन क्या कह रहा है? पीलू हिरन क्या कह रहा है कि मेरे जो अंग है, मेरे जो बॉडी के पार्ट्स है, वो कितने सुंदर है, चमकीला पीला मेरा रंग है। क्या कह रहा है ये? चमकीला सा मेरा पीला रंग है। हिरन ने भी धवला को देखा और हंसकर कहा, छे छे छे। क्या बोल रहा है? छे छे छे, तुम्हारे पास तो कोई रंग ही नहीं है। क्या बोला हिरन ने गाय को? तुम्हारे पास तो कोई रंग ही नहीं है। तभी एक रंग बिरंगी तितली वहाँ आई, वह भी मस्त होकर गा रही थी, मैं हूँ रंग बिरंगी तितली, दूर देश से आई हूँ, अपने सुंदर रूप रंग से सबको मन की भाई हूँ। तितली क्या कह रही है कि मैं रंग बिरंगी तितली हूँ और बहुत दूर देश से आई हूँ, और सबके मन को क्या करती है? भाती है। आपको तितली पसंद है ना? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, आगे पढ़ते हैं। तितली ने धवला को देखकर पूछा, तुम कौन हो और इतनी उदास क्यों हो? धवला उदासी से बोली, मेरे सफ़ेद रंग को देखकर सभी ने मेरा मजाक उड़ाया है और कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। बात तो ठीक है, सफ़ेद भी भला कोई रंग होता है, एकदम फीका, पर हाँ तुम उदास क्यों होती हो? तुम चाहो तो अपने आप को रंग बिरंगा कर सकती हो, अपने आप को रंग बिरंगा बना सकती हो, ऐसा तितली ने कहा बच्चों गाय से। तितली बोली, वो कैसे? ये किसने कहा? वो कैसे? गाय ने तितली से पूछ रही है, वो कैसे? धवला आचार्य से बोली कि वो कैसे? वो देखो सामने से हाथी दादा आ रहे हैं। हाथी कौन है? कौन कह रहा है? तितली कह रही है कि वो देखो सामने से ना हाथी दादा आ रहे हैं, वे अच्छे चित्रकार है, तुम चाहो तो उनसे कहकर मनचाहा रंग ले सकती हो। दादा कौन है? हाथी। तितली ने कहा, वो एक अच्छे चित्रकार है, अगर तुम उनके पास जाओगे और बोलोगे, वो आपको रंग बिरंगा कर देंगे, आप जौन सा रंग पसंद करोगे वो रंग दे देंगे। तितली की बात सुनते ही धवला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वह हाथी दादा के पास गई और उनसे बोली, हाथी दादा मुझे रंगीन बना दो। हाथी दादा ने पूछा, तुम्हें कौन सा रंग चाहिए? वेरी गुड। इसने बोला, ऐ ऐ। धवला सोचते हुए बोली, तोते जैसा हरा, हिरन जैसा पीला, मोर जैसा नीला और तितली जैसा रंग बिरंगा कर दो। हाथी दादा ने धवला के बताया, रंग उसके शरीर पर है। क्या किया बच्चों? हाथी दादा ने धवला के बताए रंग उसके शरीर पर लगा दिए।
जो जो गाय ने हाथी दादा को बताए थे कि उसको कैसा रंग चाहिए, वो रंग उसने उसके शरीर पर लगा दिए, गाय के शरीर पर। धवला अपने रंग बिरंगे शरीर को देखकर फूली न समा रही थी और इतराते हुए जंगल में लौटी। क्या बच्चों समझ में आया? फूली न सलमाए से मतलब उसका खुशी का ठिकाना नहीं था, वो इतनी खुश हो गई थी। और फिर वो कहाँ गई? जंगल में गई। और फिर क्या हुआ बच्चों? सारे जानवर उसे देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। क्या कर रहे थे? सभी लोग हंस रहे थे काफ़ी ज़्यादा। किसके ऊपर? रंग बिरंगी गाय के ऊपर। सभी ने उसे घेर लिया और जोर जोर से गाने लगे, सुनो सुनो जी एक कहानी, चित कबरी है धवला हमानी। क्या बोला? सुनो सुनो जी एक कहानी, चित कबरी है धवला हमारी। ऐसा उसको देखकर सब गाने लगे बच्चों। फिर आगे क्या हुआ? नकल तो की पर कुछ न पाया, नकल की है ना गाय ने, सभी का कलर ले लिया। मोर का कलर देखा, मोर का कलर भी ले लिया। तोते का कलर देखा, तोते का कलर भी ले लिया। हिरण का कलर देखा, हिरण का कलर भी लेखा। इसलिए क्या कहा? नकल तो की है पर कुछ पाया नहीं है, अपना सफ़ेद रंग भी गवाया है। वेरी गुड, कुछ तो मिला नहीं, फिर भी हंस रहे थे सभी लोग, अभी भी हंस रहे हैं, और अपना जो प्यारा सा सफ़ेद रंग है उसको भी गवा दिया। जानवरों की बात सुनकर धवला ने अपने शरीर की ओर देखा, अपना चित कबरा शरीर देखकर वह घबरा गई। बच्चों चित कबरा पता है ना, रंग बिरंगा जिसपे बहुत सारे रंग होते हैं, वो क्या होता है? चित कबरा। वेरी गुड, हे भगवान ये कैसा रंग हो गया है मेरा, अब क्या करूं? भागी भागी वह तालाब के पास गई। वहाँ एक नन्ना सफ़ेद खरगोश फुदक रहा था, खुशी से खेल रहा था। धवला ने उसे इतना खुश देखा तो पूछा, खरगोश भाई तुम्हारे पास तो कोई रंग ही नहीं है, फिर तुम इतना खुश कैसे हो? खरगोश बोला, कौन कहता है मेरे पास कोई रंग नहीं है, मेरे पास सफ़ेद रंग है। जब सातों रंग मिलते हैं तो बनता है सफ़ेद रंग, यह तो सबसे अच्छा रंग होता है। किसने कहा बच्चों बताओ? खरगोश ने। बच्चों जब सातों रंग मिलते हैं तो कैसा रंग बनता है? सफ़ेद रंग। वेरी गुड, बताओ बच्चों सचमुच? ये किसने कहा? ये धवला ने पूछा, क्या सचमुच ऐसा होता है? हाँ, एक बात और जान लो, इस दुनिया में सभी लोग अलग अलग और ख़ास है, सभी के पास अपना अपना रूप और रंग है और गुण होते हैं, इसलिए जो नहीं है उसके लिए तुम दुख मानो और लोगों की बातों का बुरा मानने की बजाय जो हमारे पास है। बच्चों लोगों तो सबके पास क्या बता रहा है इस कहानी में? ये कह रहे हैं सभी लोगों के पास अपना अपना रंग और अपना अपना रूप है, कोई गोरा है, कोई काला है, तो कोई सांवला है, लेकिन वो अपने में ही क्या है, महत्वपूर्ण है। सभी लोग अलग अलग महत्वपूर्णता रखते हैं। वेरी गुड, आप समझ रहे हो ना? वो अपने अलग अलग ही खास है, वो उसी रंग में खास है। वेरी गुड, वो अलग होता है ना, कोई कहता है तुम तो काले हो, कोई कहता है तुम तो गोरे हो, कोई कहता है तुम तो सांवले हो। बच्चों इसे क्या है, ये अलग अलग रंग है और अलग अलग रंग ही महत्वपूर्ण होते हैं, वो अपने आप में ही खास होते हैं, आप समझ रहे हो ना? वेरी गुड, खरगोश यही समझा रहा है गाय को कि सभी इस दुनिया में सभी लोग अलग अलग है और वो खास है, सभी के पास अपना अपना रूप रंग और गुण होते हैं, इसीलिए जो नहीं है उसके लिए तुम दुखी मानने लगो और लोगों की बातों का बुरा मानने की बजाय जो हमारे पास है उसका मजा लेना चाहिए। लोगों की बातों का बुरा मानने की बजाय ना, जो हमारे पास है, जो भी रंग है, जो भी रूप है, उसी का मजा लेना चाहिए प्यारे बच्चों। खरगोश की बात सुनकर धवला को सारी बात में समझ आ गई। फिर क्या हुआ? उसने झटपट के तालाब में डुबकी लगाई और झटपट सारे रंग धो लिए, अपना चितपदरा जो भी था, जो चितकबरा रंग था वो सारा धो गया, जो जो भी उसके सर पर लगा था या पूरे शरीर पर लगा था। समझ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल समझ रहे हो, आप बहुत होशियार बच्चे हो। बच्चों चलो
एक और लाइन है, बाहर आई तो वह अपने पुराने सफेद रंग में थी, जब वो तालाब से निकलकर बाहर आई वो कौन से रंग में थी, सफेद रंग में थी, अब तो वह खुश थी, उसने खरगोश की बात समझ में आ गई थी, उसको खरगोश की बात समझ में आ गई थी तो इसलिए वो खुश थी। आगे वह अपने सफेद रंग से खुश थी, कौन खुश थी बच्चों, भोली गाय, वेरी गुड, जिसका क्या नाम था, धवला। बहुत अच्छे बच्चों, आपने कहानी को अच्छे से समझा और सीखा कि जिसके पास जैसा भी रंग है वो अपने आप में खास है और उसी में ही मजा लेना चाहिए, उसी में ही खुश रहना चाहिए। बच्चों चलिए अब हम क्या करेंगे, चैप्टर तो हमारा फिनिश हो गया, अब हम उसका अभ्यास करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने कितना सीखा है और कितना जाना है। चलिए बच्चों, इस कहानी में हमने कुछ नए शब्द पढ़े हैं, जैसे पहले प्रश्न में बोला है कि यहाँ पे कुछ नए शब्द आए हैं, उन्हें बोलकर लिखो अपनी सीट पर, इनको पढ़ो और फिर अपनी सीट पर लिखो, बोल बोल कर पढ़ना है बच्चों। जैसे तलघटी, चौकड़ी, उदास, खिलखिलाकर, डुबकी और चित्रकार। ठीक है बच्चों, ऐसे बोलना है और अपनी कॉपी पर या अपनी सीट पर लिखना है। चलो बच्चों आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, उनके सामने उनके अर्थ लिखे हैं, जैसे कि तलहटी। तलहटी का मतलब बताया था ना, नीचे, पहाड़ के नीचे, मतलब पहाड़ के तलहटी में एक गांव था सुंदर सा, तलहटी का मतलब नीचे, वेरी गुड। दुलारी का मतलब प्यारी, बोला था ना सब लोग गाय को दुलार करते हैं, मतलब सभी लोग दुलार करते हैं, मतलब प्यार करते हैं, तो दुलारी का मतलब प्यारी। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखे हैं, उनके सामने उनके अर्थ लिखे हैं, आपको शब्द पढ़ने हैं और अर्थ को समझना है। चलो बच्चों आगे चलते हैं, ये तो आप कर लोगे, करोगे ना, वेरी गुड। चलिए बच्चों बताओ, इस पाठ में कुछ जानवरों के बारे में लिखा गया है और हर जानवर अपने बारे में कुछ बताता है, उसके आधार पर नीचे दी गई तालिका को भरो। वैसे बच्चों पीलू हिरन मिला था ना, पीला रंग, चौकड़ी भरना, उसने कुछ बोला था ना अपने बारे में, वेरी गुड। जितने भी जानवर हमने पाठ के अंदर पढ़े हैं ना, तितली से लेके मोर तक, वेरी गुड, खरगोश, उसकी बातें, सभी के बारे में इसमें लिखना है। इस चैप्टर को पढ़कर यहाँ पे लिख दोगे ना, जैसे पीलू हिरन ने क्या कहा था, उसने कहा था पीला है रंग मेरा, चौकड़ी चौकड़ी भरकर वो गाना गा रहा था, वो मस्ती कर रहा था, वो सारी बातें लिखनी है जो उसने कहा था। ऐसे ही अलग अलग जानवर जो भी कहानी में आए हैं, उन्होंने अपने रंग के बारे में, अपने गीत के बारे में और अपने बारे में कुछ कहा है, जो जो भी उन्होंने कहा है उनके यहाँ पे नाम लिखना है जानवर का और उनके यहाँ पे गुण लिखना है, वेरी गुड। आप समझ गए हो ना, चलिए बच्चों अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर, ये है हमारा फोर्थ प्रश्न। इसमें कहा है, कहानी तो आपने पढ़ ली और समझ भी ली और यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं, उनके हमें जवाब देने हैं। बच्चों दोगे ना, बहुत अच्छे, बताओ बच्चों जो धबला थी वो सबकी दुलारी क्यों थी, क्योंकि वो भोली सी प्यारी सी गाय थी, इसलिए सब लोग उसे दुलार करते थे, प्यार करते थे, वेरी गुड। यहाँ पे लिख देना है, सारे जानवर उसका मजाक क्यों उड़ा रहे थे, क्योंकि सभी जानवर कह रहे थे सफ़ेद रंग भी कुछ रंग होता है, सादा सा रंग, इसीलिए सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। चलिए, धवला ने मजाक से बचने के लिए क्या उपाय सोचा, आपको पता है ना धवला ने मजाक से बचने के लिए क्या उपाय सोचा था, उसने सोचा था ना कि दादा हाथी के पास जाके मैं अपने आप को रंग बिरंगा कर लूँगी और फिर सब मुझे प्यार करेंगे, सब मुझे अच्छा बोलेंगे, यही कहा सोचा था ना उसने उपाय, हाँ वही लिखना है। खरगोश को खुश देखकर धवला को आश्चर्य क्यों हुआ, बताओ, क्योंकि उसका भी रंग सफ़ेद था, इसीलिए आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे पास तो कोई रंग भी नहीं है फिर भी इतने खुश हो, ऐसा कैसे, इसीलिए वो आश्चर्य थी। बच्चों खरगोश ने धवला को क्या समझाया, यही समझाया था ना कि सबका अलग अलग गुण होते हैं और सभी के अलग अलग रंग होते हैं, वो अपने आप में खास होते हैं, जिसके पास जैसे गुण रूप रंग है ना उसी में ही खुश रहना चाहिए, यही खरगोश ने समझाया था और गाय को समझ में आ गई थी, इसीलिए बच्चों खरगोश ने क्या समझाया था वो यहाँ पे लिखना है।
बच्चों अब बताओ मुझे, धबला जब जंगल से गांव की ओर वापस गई होगी तो फिर से सभी जानवरों ने उसका मजाक उड़ाया होगा, उनका सामना धबला ने किस तरह किया होगा, सोच कर लिखना है बच्चों आपको। लिख दोगे ना? वेरी गुड। आगे बताओ, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया हो, आपने उसका सामना किस तरह किया? बताओ, कभी हुआ है किसी बच्चे ने आपका मजाक उड़ाया हो? हुआ है तो बताओ आपने उसका सामना कैसे किया, आपने उस बच्चे को क्या कहा, वही सब इसमें लिखना है। लिख दोगे ना? वेरी गुड। अच्छा सातवां बताओ मेरे को, इसमें क्या लिखा है? खरगोश ने कहा था कि सारे रंग मिलकर सफ़ेद रंग बनते हैं, अपने विज्ञान शिक्षक से बात करो और जानो कि सफ़ेद रंग किन किन रंग से मिलकर बनते हैं। बच्चों सात रंग मिलकर सफ़ेद रंग बनते हैं, तो वो कौन कौन से रंग होते हैं आपको किससे पूछना है? अपने टीचर से पूछना है। पूछकर इसमें लिखोगे ना और आपको जानोगे ना, आप जानोगे कि वो सफ़ेद रंग कौन कौन से होते हैं। वेरी गुड, आप जानकर यहाँ पे लिखना है और ये पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि थर्ड चैप्टर है। वेरी गुड, तो उससे पहले आपको क्या करना है, अपना होमवर्क कंप्लीट। ठीक है बच्चों? ओके, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा, तब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। बाय बाय बच्चों।